अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शर्म आपको नहीं, आपके पति को आनी चाहिए माँ। किस बात के लिए? अरे बोल ना। वो उनकी जिंदगी में एक औरत है माँ, एक औरत है माँ, एक औरत है माँ। हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वो उन्हीं के साथ थे। बहुत समय से रिश्ते में भी हैं दोनों। और उन्हें उस औरत से एक बच्चा भी है। तू क्या कह रही है बिंदिया? कौन सी औरत? कौन सी औरत? मिठाई। औरत की बेशर्मी की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे हमारे पापा को बदनाम करने के लिए और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? हमने जो देखा अपनी आंखों से देखा है। नहीं बिंदिया, जुबली के पापा हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। वो मिठाई है ही ऐसी, वो गले पड़ रही होगी और तुम्हें ऐसा लगा कि जुबली के पापा गलत है। वो ऐसी ही है, मुंह चढ़ी। आ जाने दो उसे, हम उसे नौकरी से ही निकाल देंगे। किसे निकालोगी नौकरी से? क्या हुआ मालिक? मालकिन ने फिर से कुछ किया क्या? बाप रे, रोज ही कुछ ना कुछ करती रहती है। कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत कि हमरे पति पर डोरे डालेगी? हट, तिहारों की जय हो। अरे तेरी चुटिया पकड़ करके ना चौराहे तक घसीटते हुए ना ले गए ना तो हमारा नाम बर्फी ना। क्या कर रही है इसको? हाँ? हाय दैया, मर गई रे मैया, कोई हमारा दोस्त तो बताए। अजय, आप नहीं जानते ये आपके बारे में काका बोल रही है। इसने बिंदिया को भी न जाने का उल्टा सीधा कह दिया। बिंदिया सोचने लगी कि आपका और इसका कुछ रिश्ता है, पर हम जानते हैं जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। जो कुछ किया धरा है ना, वो इस डायन का किया धरा होगा। इसी ने आपको फंसाने की कोशिश की होगी। हम एक मिनट भी इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी क्या भी निकालेंगे इसे।
निकाल। अपने माँ पर हाथ उठाया। बिंदिया बीच में ना बोल, ये हमरे पति है। कौन से पति माँ, जो आप ही के सामने दूसरी औरत का साथ दे रहे हैं? और आप ये सब देख भी नहीं रही है माँ, और किस बात से इनकार करने की कोशिश कर रही हैं आप? वो जो सामने खड़ी है, हमसे कहा बोलोगी जी, जो आप हमरे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमने तो इतने साल मन लगा कर सेवा की। अरे सेवा तो नौकरानी भी करती है। हमारी पत्नी बनने लायक तुम रही नहीं। अरे जरा देखो खुद को आईने में, कैसे मुरझा गई हो। और यहाँ देखो मिठाई को, हमरे साथ खड़ी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अरे चूल्हा चौका करते करते तुम उसी लायक रह गई हो, तो रहो वहीं। अब तो मिठाई होगी हमारी नई पत्नी। हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, समझी? इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमको। हम आपको मंगलसूत्र का वास्ता देते हैं। मंगलसूत्र? तुम्हारा ये मंगलसूत्र हमरे लिए ये काले धागे के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम तुम्हें तलाक देंगे। मिठाई से ब्याह करेंगे। मिठाई होगी हमारी नई जीवन संगिनी। चप्पल पहन लीजिए दीदी। और आज से हमसे जरा इज्जत से पेश आइएगा, क्योंकि हम आपके घर की नौकरानी नहीं, सौतन हैं। आप हम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हैं जी। इस उम्र में अगर आप हमें तलाक देंगे तो हम कहां जाएंगे? इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। नहीं मां, आपको इनके सामने झुकने की कोई जरूरत ना है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आपको इनके सामने झुकना पड़े। क्या यही एक औरत की किस्मत है कि चाहे गलती पति करे फिर भी पत्नी को झुकना पड़े? आपने अपना रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाया माँ, और ये हम सब ने देखा है। और अगर इसके बदले आपको ऐसा इनाम मिले तो ऐसे रिश्ते पर लालत है।
इनकी जीवन साथी आप हैं। और साथी का मतलब कदमों में झुकना नहीं होता, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। और इनके जैसे मर्द गलत फहमी पाल लेते हैं कि इनका जो मन चाहे ये वो कर सकते अपनी पत्नी के साथ। और औरतें ऐसे पति को अपना परमेश्वर भी कहती है। लेकिन हम आपको इनके सामने झुकने नहीं देंगे। हम अभी बुलाते हैं अभय जी को। आगे जो बात होगी उनके सामने होगी। बुला अबे को, हमारे इतने बुरे दिन आए हैं कि अपने बेटे से हम डर जाएं। अरे बाप है उसके बाप, जो मन में आएगा करेंगे। हाँ बुलाओ अबे को। हाय रे दैया, मर गई रे मैया। इतनी जोर का धक्का मारा है सौतन जी ने, हमरा तो पूरा अंग ही दुखन लगा है। अब हम थोड़ा आराम करेंगे अपने कमरे में। तुम्हारा सामान कमरे के बाहर रखवा देंगे समझी। अंजू चलो यहां से। की जिंदगी में एक औरत है माँ, बहुत समय से रिश्ते में भी हैं दोनों, और उन्हें उस औरत से एक बच्चा भी है। हमारी पत्नी बनने लायक तुम रही नहीं। यहाँ देखो मिठाई को, हमारे साथ खड़ी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम तुम्हें तलाक देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए माँ, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, हम आपके साथ जरूर हैं। हमने नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। अपने बच्चे ही हमरा साथ नहीं दे रहे, हम क्या करें? पूरे परिवार को तो आपने बता दिया है और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, पर अभय बिटवा का हमें बहुत डर लग रहा है। हमने उसका गुस्सा देखा है, अपने पे आए तो आग लगा दे आग। और वो अपनी माँ से भी तो बहुत प्यार करता है, अगर गुस्से में आके कुछ कर गया तो। फालतू में चिंता कर रही हो, अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो क्या हुआ? हम कौन है? उसके बाप हैं बाप। एक होकर लगाएंगे भीगी बिल्ली बन जाएगा ससुराल। वैसे भी अभय तो खुद अपनी माँ से नाराज है, तो फिक्र मत करो। लल्ला,
लैला। ये रोने धोने के नाटक से कुछ नहीं होने वाला है माँ। आपने जो किया उसके बाद मुझे आपकी तरफ देखना भी नहीं है, मुझे आपकी तरफ देखना भी नहीं है, मुझे आपकी तरफ देखना भी नहीं है। बात करने की तो सोचिएगा भी मत। हमने जो किया है ना लल, उसकी सजा तो शायद हमें मिल रही है। अब कुछ खत्म हो गया लल्ला, सब कुछ खत्म। आप चाहती तो सब ठीक कर सकती थी माँ, हर बात को सही ढंग से, लेकिन आप ही ने गलत राह चुनी। जानते सारी गलती हमरी ही है। हम इसलिए राह देख रहे थे तुम्हारी कि एक आखिरी बार तुमसे माफी मांग, हर उस गलती की, हर उस तकलीफ की जो हमने तुम्हें दी है, और उसके बाद हम अपने आप को खत्म कर देंगे। प्लीज माँ बस कीजिए, मैं आपके इन झूठों से, इन हरकतों से थक गया हूं, बस कीजिए। पड़ेगा तुम्हें, हमारी शकल भी नहीं देखनी पड़ेगी तुम। हो सके तो अपनी मां को माफ कर देना लल्ला। क्या करने जा रहे हो माँ? दरवाजा खोलिए। हाँ देखिए सर, नाटक बंद करिए प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करना चाह रहे हो आप? प्लीज दरवाजा खोलिए माँ। अभय जी का फोन काहे नहीं लग रहा? आप प्लीज देखिए, ड्रामा बंद कर दीजिए। अभय जी, आप
आप चाहती तो सब ठीक कर सकती थी माँ, हर बात को सही ढंग से। लेकिन आप ही ने गलत राह चुना। आपने जो किया उसके बाद मुझे आपकी तरफ देखना भी नहीं, बात करने की तो सोचेगा भी मत। दरवाजा खोलिए माँ। कहाँ थे आप? हम कब से आपको फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी है हमें आपसे। जानते हैं यहाँ क्या हुआ है? हाँ भाई देख रहा हूँ। हाँ दरवाजा खोलिए। माँ ने फिर से कोई नया नाटक शुरू किया है, जान देने की बात करी है। माँ नाटक नहीं कर रही। आज सच में ऐसा कुछ हुआ जिससे माँ अपनी जान देने का सोच रही। तुम क्या कह रही हो बिंदिया? हाँ अभय जी, अभय जी हम वो हमारी पत्नी बनने लायक तुम रही नहीं, अब तो मिठाई होगी हमारी नई पत्नी, अब हम तुम्हें तलाक देंगे। अभय जी माँ की जान खतरे में। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। पीछे हटो।